अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़, राइस मार्केट की अगली वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम राइस की दो ऐसी वैरायटीज़ के बारे में बताएंगे जो आपस में लेंथ और विड्थ के लिहाज से बहुत मिलती जुलती हैं, और अक्सर लोग इन वैरायटीज़ को, जो दो अलग वैरायटीज़ हैं, उनको एक ही वैरायटी समझते हैं। डियर फेलोज़, चूँकि इनके रेट अलग होते हैं तो इनकी परचेजिंग भी अलग ही होनी चाहिए, और इंटरनेशनल मार्केट में अगर एक वैरायटी की डिमांड है तो आप दूसरी वैरायटी नहीं बेच सकते। लेकिन चूंकि ये एक दूसरे से मिलती जुलती हैं इसलिए इनमें फ़र्क करना बहुत मुश्किल होता है। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे और इस वीडियो के अख्ताम पर यकीनन आप इन दोनों में बिल्कुल फ़र्क वाजे कर लेंगे। और अगर आपको कोई ऑर्डर मिलता है, लोकल ऑर्डर मिलता है या एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलता है, तो आप उसमें उसी वैरायटी को भेजेंगे जिसकी डिमांड आपको बताई जाए। तो माय फ्रेंड्स, जो पहली वैरायटी जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं वो है ईरी 6। ईरी 6 वैरायटी पे हमारी ऑलरेडी भी एक वीडियो मौजूद है जिसमें हमने ईरी 6 और ईरी 9 के दरमियान फ़र्क बताया था। ये आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे ईरी 6 की शेप नज़र आ रही है। इसके अलावा इसका साइज़ भी आपको नज़र आ रहा है कि ये 6.74 mm इसका साइज़ है, इसकी लेंथ है, और विड्थ इसकी है 2.05 mm। अब दूसरी वैरायटी जो KS मैंने आपको बताया है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो लेंथ है वो है 6.86 और इसकी जो विड्थ है वो 2.04 है। इन दोनों की लेंथ और विड्थ में बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है। विड्थ में तो बिल्कुल खैर फ़र्क नहीं है और लेंथ में बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है। जब हम ईरी 6 की शेप के बारे में देखें तो गौर करें, ये इसकी जो नीचे वाला पोर्शन है ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा होता है, थोड़ा सा यहाँ पे इसके अंदर चाकी होती है और यहाँ पे थोड़ा सा आपको कर्व भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसका जो फ्रंट है वह तकरीबन बिल्कुल गोल होता है। असल में ये बिल्कुल गोल नहीं होता, थोड़ा सा यहाँ पे इसके उभार होता है। ये आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे आपको उभार नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा इसका जो हेड है ये भी मोटाई में होता है, इसका हेड मोटाई में होता है, ये पिछला सिरा इसका मोटाई में होता है, और ये नीचे से भी बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ये देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। आगे से ये गोल सी एक शेप बना लेता है। अब मैं आपको KS के बारे में बताता हूँ। तो माय डियर फेलोज़, ये देखें जो KS है ये आगे प्रॉपर एक नोक बनाता है, इसकी टेल में प्रॉपर एक नोक होती है और इसके यहाँ पर भी एक नोक बन रही होती है। उसके बाद इसका जो हेड है ये काफ़ी बारीक होता है, ये देखें ये बारीक है, जबकि ईरी का यहाँ से बड़ा होता है, ये हेड बड़ा होता है। जब हम हकीकी दानों को गौर से देखते हैं तो ये देखें इसकी मोटाई पीछे से काफ़ी बड़ी है, जो हेड है इसकी मोटाई काफ़ी बड़ी है। ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है और आगे जो इसकी टेल है वो ऑलमोस्ट गोल होती है। ये देखें, ये टेल ऑलमोस्ट गोल है। इसका जो हेड है वो बैक एंड से काफ़ी मोटा होता है, ये मैंने आपको ऊपर शेप में भी दिखाया कि ये मोटा होता है, और इसी तरह से यहाँ पे ये गुलाई में जाके और नीचे से ये आगे से अगर हम इसको देखें टेल से तो ये निस्बतन इतना विड्थ में ज़्यादा नहीं होता, जबकि हेड की साइड से विड्थ में ज़्यादा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो विड्थ है वो कम होती जाती है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो KS 282 में इसकी शेप यहाँ से थोड़ी सी अंदर की तरफ होती है, यहाँ से अब थोड़ी सी बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी और इसकी जो टेल है वो एक नोक बना रही होती है। ये देखें, आगे एक नोक बन रही है, ये अगर आप गौर करें तो आगे की तरफ एक नोक बन रही है इसकी, जबकि KS में आगे नोक नहीं बनती, हल्की सी नोक होती है लेकिन वो ऑलमोस्ट नोक नहीं होती, वो गोल ही तकरीबन आपको नज़र आ रही होती है। जो ईरी में आपको गोल नज़र आ रहा होता है, जबकि KS में इसकी नोक आगे बन रही होती है। दोस्तों, ये ईरी 6 के ग्रेन्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं इनमें कि यहाँ से आगे से जो इनकी टेल है वो ऑलमोस्ट गोल है, हेड इसका कुछ बड़ा है, जबकि नीचे से भी ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो विड्थ है वो कम होना शुरू हो जाती है आगे की तरफ। इसमें एक और वाज़े फ़र्क होता है कि नीचे इसके चाकी ग्रेन होता है, ये इसके नीचे बैली के तकरीबन दरमियान में एक चाकी का निशान भी नज़र आ रहा होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने KS 282 के कुछ ग्रेन्स पड़े हैं, आप इनको देखें, इनके बैक पे भी ये यहाँ पे एक नुक्कर बन रही है, ये भी एक कोना आपको नज़र आएगा, ये भी कोना है और ये भी एक कोना है,
और ये शेप थोड़ी सी अंदर की तरफ से मूव करके जाती है और आगे फ्रंट पे इनकी एक प्रॉपर टिप बनती है। ये देखें, ये इसकी टेल पे इसकी एक प्रॉपर टिप बन रही है, फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाता है और यहाँ से स्ट्रेट थोड़ा सा आगे बढ़ता जाता है, लेकिन असल में ये स्ट्रेट नहीं होता, ये किसी तरफ से भी स्ट्रेट नहीं होता। माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ED6 और KS282 दोनों को एक ही स्लाइड में देख सकते हैं। इनके दरमियान का जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वो भी आपके सामने बिल्कुल वाज़े है। ये आप देख सकते हैं कि जो 282 है, KS282 है, इसकी शेप जो है वो तलवार की तरह है, यहाँ से ये अंदर की तरफ मूव कर जाता है, फिर ये बाहर थोड़ा सा निकलता है, फिर आगे इसकी एक प्रॉपर टिप बनती है और इसी तरह से आहिस्ता से ऊपर चढ़ता है, और फिर यहाँ पे भी आपको इसका एक कोना नज़र आ रहा होगा और नीचे भी एक कोना नज़र आ रहा है। जबकि जो हमारा ED6 है, इसकी सिमेट्री ऑलमोस्ट सेम है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे इसकी चाकी है, ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों में। ये देखें, ये जो इसकी बैक है ये निस्बतन मोटी है और इसकी नुक्कर भी यहाँ पे इतनी वाजे नहीं है। इसके अलावा आगे से जो फ्रंट पे इसकी जो टिप है वो भी ऑलमोस्ट गोल होती है, कुछ थोड़ा सा निशान होता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया, लेकिन इसमें ये निशान वाजे है। KS282 में निशान बिल्कुल वाजे है, जबकि इसमें निशान इतने वाजे नहीं है। माय डियर फेलोज़, जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी लेंथ और विड्थ ऑलमोस्ट एक तरह की होती है, तो अगर हम अलग अलग ग्रेन को देखेंगे तब तो हमें इनका डिफरेंस पता चल जाएगा, लेकिन अगर इनका सैंपल मिक्स होकर हमारे सामने आएगा तो अक्सर हमें इनके दरमियान फ़र्क वाजे नहीं होता। तो अगर आप इसको गौर से देखें, आप एक दाने की पहचान को देख लेते हैं, जैसा कि आपको मैंने बता दिया है इनकी पहचान के बारे में, तो यकीनन आपके लिए आसान हो जाएगा उस सैंपल में देखना कि ये ED और KS मिक्स है या सिर्फ KS 282 या ED6 का सैंपल है। दोस्तों, एक बात मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारी सीरीज़ की सेकेंड लास्ट वीडियो है जो राइस आइडेंटिफिकेशन पर और मुख्तलिफ टॉपिक्स पर थी। अब हम इसको मज़ीद बेहतर फॉर्मेट में आपके सामने लेके आएंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको इंटरनेशनल फॉर्मेट पे लेके आएँ और वहाँ पे, ताकि सब लोग चावल के बारे में काम को और चावल के प्रोसेसेस को आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन दोस्तों, आपकी रहनुमाई के लिए हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक सिलसिला शुरू किया है, जिसमें हम लोग चावल की आइडेंटिफिकेशन के बारे में, बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग के बारे में, एक्सपोर्ट्स के बारे में और चावल का जो कम्प्लीट प्रोसेस होता है, आइडेंटिफिकेशन का, हस्किंग का, प्रोसेसिंग का, पैकिंग का, ट्रांसपोर्ट का, क्या क्या मुश्किलात चावल के काम में आ सकती हैं, ये आप उस ऑनलाइन ट्रेनिंग में सीख सकते हैं। उसके लिए थंबनेल पे भी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा और अभी थोड़ी देर में मैं आपको मज़ीद अपना नंबर दिखा दूंगा। आप अगर करना चाहते हैं ये ऑनलाइन ट्रेनिंग, तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही हल्की सी शरात है, आपका इंटरेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है और आप साइंटिफिक तरीके से बड़े आसानी से चावल के काम को, मुकम्मल प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ट्रेनिंग की जो खासियत है वो ये है कि आप चावल की किसी फील्ड के बारे में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, पैकिंग के बारे में, आइडेंटिफिकेशन के बारे में, किसी भी फील्ड के बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ट्रेनिंग के लिए आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कर लें, कॉल कर लें, कोई क्वेश्चन आपने पूछना है राइस के बारे में तो आप वो भी पूछ सकते हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाल पे दुरूद भेजें। अपना काम ईमानदारी से करें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। चावल के बारे में अगर कोई आपका क्वेश्चन है या आपको कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुकम्मल ट्रेनिंग करना चाहते हैं और चावल के बारे में A to Z सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना और गिरदोनवा का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।